आर इज अ रिलेशन, आर क्या होता है, देखो अगर इसका सबसेट बन गया तो वो रिलेशन होगा, ठीक है। ये बात समझे, सिंपली आपको क्या चेक करना है, क्या वो उसके पार्टीशन प्रोडक्ट का सबसेट बन रहा है। अगर ये चीज बन गया किसी भी रिलेशन में तो आपका यहाँ पे ये रिलेशन होगा। अच्छा, इस रिलेशन को ना आप इस बात से भी समझ सकते हो, मान लो मैंने चार स्टूडेंट्स दे दिए, मान लो है गीता मोहन और राम, ठीक है, और यहाँ पे उनके फादर्स का नाम दे दिया ए, यहाँ पे उनके फादर्स का नाम दे दिया, और मैंने आर रिलेशन दिया कि ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, ए ए का फादर बी है, तो आप उसको लिस्ट कर दोगे, राम के पापा मोहन है, श्याम के पापा कोई, ठीक है, बात समझ रहे हो। ये डिपेंड रहता है कि आप रिलेशन किस तरह का डिफाइन करते हो, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक आया मेरा, अच्छा मैंने एक दूसरा एग्जांपल, अब देखो अब ये रिलेशन को मैं एक ए सेट ले लेता हूँ, इसके अंदर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, और इस बी सेट के अंदर ले लेता हूँ, बी सेट के अंदर मैंने ले लिया 2 3 2, ये ले लिया मैंने, और मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। देखो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि मैं रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन मैंने डिफाइन किया ए इज लेस देन बी, आप ये रिलेशन समझ गए। ये डिपेंड रहता है आप क्या रिलेशन डिफाइन करते हो, जैसे मैंने आपको फादर और मदर का बताया, आप यहाँ पे मदर ले सकते हो, कोई मैथमेटिकल आइडेंटिटी ले सकते हो, लेकिन उसका सबसेट जो आर आप बना रहे हो वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबिलिटीज आएंगी, ठीक है, उसका अगर कोई आपको सबसेट मिल रहा है, वो आर ए क्रॉस बी का सबसेट बन रहा है, तो वो रिलेशन होगा, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग चेक भी करेंगे, जैसे अभी मैंने एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी लिया है ए इज लेस देन बी, तो सबसे पहले आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आपको ये बात समझ में आ रही है, ए कहां से आ रहा है, ए आपका ए सेट से आ रहा है, और बी कहां से आ रहा है, आपका बी सेट से आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये रिलेशन में पहले बात करो, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो आपके लिए अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में थोड़ा लंबा चला जाएगा, एक एलिमेंट कम कर दूं क्या मैं, चलो ठीक है, ए क्रॉस बी इसमें कितने, 5 है, इसमें 3 है, तो 15 एलिमेंट आएंगे, बरोबर। अच्छा 15 एलिमेंट आएंगे तो आप 15 एलिमेंट को यहाँ पे लिस्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 3 है, तो 5 3 15, हाँ बोलो, नहीं, कैपिटल ए मतलब ये पूरा सेट का रिलेशन नहीं बता रहा, हम उसके एलिमेंट्स का रिलेशन बता रहे, इसलिए स्मॉल ए लिया है, क्योंकि हमें इसके अंदर का रिलेशन बताना है। हाँ अच्छा, अभी अभी उसके बाद आर, आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, पहली बार बताओ, वन वन किससे लेस है, वन यहाँ पे किसी से लेस है क्या नहीं है ना, वन सबसे लेस है, अगर देखोगे तो वन टू से भी लेस है, वन थ्री से भी लेस है, वन फोर से भी लेस है, बरोबर। अच्छा अब टू ले लेते, टू इससे लेस है, इक्वल है ना, तो ये एलिमेंट नहीं आएगा, टू थ्री से आएगा तो 2.3 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, 2.5 तो यहाँ पे भी आएगा 1.5, बरोबर, छूट गया था। अच्छा अब इसके बाद है ना भाई, हाँ बी में 5 नहीं है, सॉरी, हाँ बी में 5 नहीं है, इसलिए 5 नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं 3 पे,
थ्री टू से है नहीं है ना, थ्री थ्री से है नहीं, तो ये वाला आ जाएगा थ्री कॉमा टू, और इसके बाद फाइव कॉमा नहीं आएगा ना, तो ये रिलेशन है। अच्छा अब ये रिलेशन में जब आप इसका पार्टीशन गुणक निकालोगे तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे ही, एग्री कर रहे ना, तो इसका मतलब ये जो R है वो रिलेशन है A क्रॉस B का, बरोबर। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैंने मैं एक रिलेशन लेता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव, और बी ले लेता हूँ आपका नाइन फोर सिक्सटीन। आज मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, ए इज स्क्वायर, बी इज स्क्वायर ऑफ ए, बी इज ए स्क्वायर ऑफ ए, और ए आपका ए सेट से आ रहा है, बी आपका बी सेट से आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आर में बता दो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दोगे, 15 एलिमेंट आ जाएंगे, पहले सेट में 5 है दूसरे सेट में 3 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने जाएंगे, 15 एलिमेंट जाएंगे। अच्छा अब उसके बाद आपका आर के अंदर पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, ए है स्क्वायर है बी का, तो वन कॉमा वन का स्क्वायर है यहाँ पे, टू का स्क्वायर क्या है, टू का स्क्वायर फोर है, उसके बाद आपका थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का सिक्सटीन, और थ्री है। अच्छा ये आप क्लियरली देख पा रहे हो ना, आर सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का, बनेगा ना, तो आर इज अ रिलेशन। अच्छा एक और बार रिपीट करता हूं, आपको डिपेंड देता है ये आर किस तरह का रिलेशन डिफाइन किया है, मैथमेटिकल है या आपका कोई वर्चुअल है, लॉजिक मतलब किसी भी टाइप का लॉजिकल स्टेटमेंट हो सकता है, और उस रिलेशन से बनने वाला जो सेट है वो सबसेट बनना चाहिए। अच्छा अभी हम लोग दो चार ऐसे सेट देखते हैं जो रिलेशन नहीं है, जैसे यार इतना स्लो लिखेगा, किसी से कॉपी करके लिख लेना, लेकिन अभी कर किसी से ले लेना, ठीक है, है सब बुक में एग्जाम्पल है, बुक के एग्जाम्पल। अच्छा अभी मैं आपको कंडीशन ना देके मैं आपको सेट दे देता हूँ, मैं आपको एक सेट दे देता हूँ, सेट क्या दे रहा हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको दे दिया आपको सेट क्या दे रहा हूं, आपको मैंने दे दिया ये दे देता हूं, यहाँ पे स्क्वायर वाला ही ले लेता हूँ, आपको इजीली विजुलाइज होगा, मैंने आपको ये सेट दे दिया, आपको ये सेट दे दे रहा हूं, आर इज अ रिलेशन आर नॉट, आर रिलेशन है कि नहीं है, मैंने आपको सेट मैं आपको कंडीशन ना देके मैंने आपको सेट दे दिया है, अब आपको बताने कि ये रिलेशन है कि नहीं है, ध्यान से देखो क्यों नहीं है, पाइप नहीं, ये सबसेट नहीं बन रहा है ना, आपको ऐसा कोई भी सेट दे देगा आर का, बस आपको ये चेक करना है कि ये इसका सबसेट बन रहा है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बन रहा है नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो बी सेट बी में क्या है थ्री कॉमा
फाइव, और लेकिन फाइव तो इसी के अंदर है ही नहीं, है नहीं, तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट तो बनेगा नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं बनेगा, मतलब कि ये जो आर सेट है आपका ये रिलेशन नहीं है। ये बात समझ में आई? बस आपको ये देखना है कि आर का एलिमेंट है कि नहीं, आर इज नॉट अ सेट। अच्छा, आगे वाले बेंच को समझ रहा है, पीछे वाले बेंच को समझ रहा है क्या? भाई आ रहे ना समझ में? ये जिसको नहीं आ रहा वो बोल सकता है इन लोग की तरह। ए, फिर से रिवाइज करता हूँ। देखो क्या करना है, ए, आपको ऐसा कोई भी रिलेशन दे देगा, आर का सेट दे देगा, आपको पहचानना क्या है, क्या ये जो सेट है ए क्रॉस बी का सबसेट बन रहा है? तो नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट देखा 3.5, 3.5, इसमें देखो 3 कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। 5 कहां से आ रहा है? बी सेट में आ रहा है, लेकिन बी सेट में है क्या 3? 5 है क्या? तो ये एलिमेंट ने प्रॉब्लम कर दिया, इसलिए ये क्या सबसेट नहीं बना। तो आप समझ गए रिलेशन कब नहीं होगा, तब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग अभी अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए तो मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल आप दोहरा दो तो फिर मैं भरोसा कर लूंगा कि आप कर लोगे। 1, 2, 3 और 1, 5, 9, 16 और आपको रिलेशन दे दिया है 1.5, 1.9, 1.16, 2.5, 2.9, 2.16, 5.9 और 5.6। ये रिलेशन है कि नहीं है? ये भाई ये सेकंड लास्ट बेंच है कि है, रिलेशन है कि नहीं है? 5, 6, 6 इसके अंदर है नहीं ना? अच्छा ये 16 तो नहीं है, नहीं 6 ही, हाँ तो 9 ये वाला प्रॉब्लम करेगा ना, तो ये आर भी क्या हुआ? रिलेशन नहीं हुआ, आर इज नॉट ए रिलेशन। मुझे याद है किसी एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे ऐसे 5 रिलेशन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि ये रिलेशन है कि नहीं। ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। हाँ अच्छा अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन है 1-to-1। अच्छा उससे पहले ना कुछ एक अच्छा उससे पहले ना एक डोमेन और कोडोमेन का डेफिनेशन था जो मैंने आपको लिखवाया नहीं। टाइप्स ऑफ रिलेशन से पहले डोमेन और कोडोमेन का डेफिनेशन जरूरी है। डोमेन क्या होता है? डोमेन, डोमेन आपका वो सारे ए का कलेक्शन है, कलेक्शन फ्रॉम आर सच दैट ए कॉमा बी, वो सारे ए का कलेक्शन है ए फ्रॉम सेट ए, जो ए कॉमा बी आपका आर में जाए। ये बात समझ रहे हो? और कोडोमेन है आपका, मैं बता, कोडोमेन है आपका बी का कलेक्शन, B का कलेक्शन सच दैट A कॉमा B आपका R का एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आपका A सेट हो गया ये 1, 2, 3
बी आपका सेट हो गया, बी आपका सेट हो गया 1, 2, 3, 1, 2, यही हो गया, ठीक है। अच्छा, आर मैंने आपको एक रिलेशन बता दिया, आर आपका है 1, 1 है, 1, 2 है, 3, 1 है, 2, 2 है, ये आपको एक रिलेशन बता दिया। अच्छा, अभी ये रिलेशन है कि नहीं, ये पहले ये बताओ, आर रिलेशन है क्योंकि सबसेट बन जाएगा ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का सबसेट बन जाएगा, तो आर इज अ रिलेशन, देयरफॉर आर इज अ रिलेशन, रिलेशन रिलेशन है क्योंकि ये पूरा सबसेट बन जाएगा ना, 1, 1 भी है, 2, 2 मैंने नहीं बनाया है, रिलेशन में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या ले रहे हो, सबसेट आना चाहिए, 3 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, हाँ, पहला एलिमेंट आपका ए से आएगा ना, ठीक है, आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट जो कहां से, ए सेट से आ रहा है, सेकंड वाला एलिमेंट आपका बी सेट से आ रहा है, तो ये क्लियरली बन जाएगा ए क्रॉस बी का सबसेट। अच्छा, कोई भी आपने कोई भी सबसेट उठाया कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो वो रिलेशन बन जाएगा, तो आंसर है हाँ बन जाएगा, बात समझ रहे हो। जैसे मैंने रेंडमली ये सेट उठा लिया 4 एलिमेंट का और बोल रहा हूं ये रिलेशन बनेगा, अगर ये सबसेट है तो रिलेशन बन जाएगा, उसमें कोई भी रिलेशन हो, मुझे नहीं मालूम क्या रिलेशन है, लेकिन मेरे पास सेट है ना, वो सबसेट बना ना, तो रिलेशन हुआ। अच्छा, अभी डोमेन क्या है इसके अंदर, तो डोमेन किसका कलेक्शन था, सारे ए का कलेक्शन था, ए क्या, ए ये रिलेशन का आना चाहिए था, तो देखो ए के अंदर देखो 1 आया है तो डोमेन के अंदर 1 चला जाएगा, 1 आया है, 3 आया है, 3 चला जाएगा, 2 आया है, 2 चला जाएगा, मतलब जो रिलेशन में दिया हुआ है ए कॉमा बी के फॉर्म में, जो भी ए है यहाँ पे वो किसमें चले जाएंगे, डोमेन में, और कौन डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, बी, जो रिलेशन के अंदर वाले हैं, समझ रहे हो, कंफ्यूज मत हो, हाँ इसको ऐसा लिख लो 2, 3 और अच्छा लगेगा। अब कौन डोमेन में दो, हाँ तो एक ही बार लिखो, अगर रिपीट हो रहा है तो एक ही बार, ठीक है, हाँ अब यहाँ पे 1 है, 2 है, बस 1 और 2 है, तो कौन डोमेन में कितने आ गए, 2 ही आ गए, डोमेन आप समझिए सारे ए का कलेक्शन, ठीक है, और कोडोमेन क्या है आपके, सारे बी का कलेक्शन, कहाँ के, रिलेशन के, ये रिलेशन के अंदर, ठीक है, टू कॉमा वन, हाँ पॉसिबिलिटी तो होगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि 1 और 2, 1 के बीच में क्या रिलेशन है, 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन, मैंने रैंडमली सिर्फ पार्टीशन प्रोडक्ट का सबसेट उठा लिया, रैंडमली उठा लिया, ये मुझे नहीं मालूम था क्या रिलेशन, मैंने रैंडमली उठा लिया, बस ये चेक किया कि ये सबसेट है, हाँ रिलेशन है, हाँ अगर रिलेशन है तो इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है ये बता दो। अच्छा, डोमेन और कोडोमेन क्लियर है आपको, आप टाइप्स ऑफ रिलेशन पे चले, हम लोग पक्का चले या एक और नू डोमेन का है। अच्छा, मान लो मैंने ये एलिमेंट हटा दिया, अब ये रिलेशन बन जाएगा कहां से, लो 5, 9 भी हटा दिया मैंने, अब बन जाएगा, तो आर क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अच्छा, आर इज ए रिलेशन, अच्छा इसका मुझे डोमेन बता दू, 1 आ जाएगा, 2 आएगा, बस 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोडोमेन बता दो, 5, 9, 16, देखो 5 यहाँ पे था, 9 यहाँ पे था, 16 यहाँ, बरोबर। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, एक और बार बताओ, अच्छा सुनो चलेगा, यहाँ पे देखो ये मेरे पास
रिलेशन में जो भी टपल्स आ रहे थे उससे पहले एलिमेंट का कलेक्शन है, उसको डोमेन बोलेंगे, और उसके रिलेशन के जो दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन है बी, सारे बी का जो कलेक्शन है वो क्या है, तो डोमेन है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन ले लिया था, ये रिलेशन बन रहा था क्योंकि ये सबसेट था। ठीक है, अब देखो, अब इसका पहला पहला एलिमेंट देखो, यहाँ पे वन आया है तो डोमेन में वन चला गया, टू है देखो यहाँ पे थ्री है तो थ्री आ गया, यहाँ पे टू आया है टू आया है, फर्स्ट पोजिशन देखो। अब को डोमेन में सेकंड पोजिशन देख रहे हैं, सेकंड पोजिशन मतलब क्या है आपका, वन अगर आप देखोगे सेकंड पोजिशन में वन आ रहा है तो वन चला गया को डोमेन में, फिर इसके बाद आप देखोगे टू तो टू चला गया, और यहाँ पे वन टू तो थ्री ना, इसको जरा ऐसा समझो, आपका डोमेन वन टू थ्री और कोडोमेन क्या था आपका वन कॉमा टू, देखो वन वन से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, वन टू से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा और फिर इसके बाद थ्री किससे कर रहा है, वन से रिलेट कर रहा है, एक एरो यहाँ पे दे दिया, टू टू से रिलेट कर रहा है, ये इसके बीच में ये रिलेशन आर बनाया गया था, जो रिलेशन ये है, बात समझ में आ रही है आपको, ये सेट दो का ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, बात समझ पा रहे हो आप लोग, आप क्लियर है डोमेन और कोडोमेन क्या है। हाँ, हो सकता है डिपेंड करता है रिलेशन में सबके सब पूरे के पूरे ए आ रहे हैं, थ्री चलेगा, ये किस में आ गया, मान लो इसके अंदर मैं थ्री हटा देता तो हो सकता था ना आए थ्री ना, तो ये डोमेन और कोडोमेन आपका इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा रिलेशन कैसा है, हाँ ए टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास चार टाइप के रिलेशन होते हैं, चार टाइप के रिलेशन कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहला वन टू वन होते हैं, वन टू वन रिलेशन, अब यहाँ पे देखो वन टू वन जा रहा है ना मतलब एक से रिलेट करेगा, यहाँ पे आपका ए सेट है, यहाँ पे आपका बी सेट है, वन टू वन है ना मतलब इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से रिलेट करेगा, समझ रहे हो। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं वन टू मेनी, सेकंड है वन टू मेनी, तीसरा है आपका मेनी टू मेनी, मेनी मेनी टू वन, और होगा फोर्थ मेनी टू मेनी। अच्छा जरा इसको फिजिकली समझने की कोशिश करो, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है क्या, पे अटेंशन, ए पे अटेंशन, आवाज किसकी आ रही है, मच्छी मार्केट मत बनाओ, यहाँ पे देखो शांत रहो, ए अब वन टू वन रिलेशन क्या है, ऐसा समझो आप लोग ए सेट हो, आप क्लास एफ वाई बी सी हो और बाजू वाला क्लास का है एस वाई बी सी हो, अब ये तो ये हो सकता है ना एफ वाई बी सी का ये वाला स्टूडेंट एक स्टूडेंट को जानता हो, दूसरा वाला स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को जानता हो, तो ये वन टू वन है, यहाँ का ये एफ वाई बी सी एफ वाई बी सी ए और यहाँ पर है एस वाई बी सी ए, सुनो यहाँ का एक स्टूडेंट
एस वाई बी सी ए के एक स्टूडेंट को जानता है, एस वाई बी सी ए का सेकेंड स्टूडेंट यहाँ के सेकेंड स्टूडेंट को जानता है, मतलब एक स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट को जान रहा है। हाँ, तो इस टाइप का रिलेशन वन टू वन रिलेशन होगा। अब यहाँ पे देखो, ऐसा भी हो सकता है सेकंड वाले के केस में, ऐसे वाला भी हो सकता है, मान लो यहाँ वन है, यहाँ पे टू थ्री फोर। अच्छा, अब वन टू मेनी में क्या हो सकता है कि यहाँ का एक स्टूडेंट एस वाई बी सी ए के दो से तीन स्टूडेंट को जानता हो। देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो इसको भी जानता है, इसको भी जानता है और इसको भी जानता है, हो सकता है। समझ रहे आप लोग, मतलब वन टू मेनी मतलब कि एक स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट को भी जान सकता है। तो वो उस टाइप के जो रिलेशन होंगे वो वन टू मेनी में आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ए भाई सेकंड बेंच। आप लोगों को यहां तो कॉन्सेंट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो, मेनी टू वन, मेनी टू वन मतलब कि वहां का ऐसा हो सकता है ना, वहां का ऐसा क्लास मॉनिटर हो या स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जिसको पूरी की पूरी एफ आई बी सी की क्लास उस लड़के को जानती है, ठीक है। तो ये थर्ड वाले टाइप पे आ जाएगा। तो थर्ड टाइप का है मेनी टू वन, ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट हो वन टू थ्री फोर, ऐसा कोई एक स्टूडेंट हो जिसको एस वाई बी सी का ऐसे स्टूडेंट हो जो आपको, समझ गए, मान लो वहां का कोई क्लास मॉनिटर है या सीएल है एस वाई बी सी ए का ना, कि आप सबके सब उस सीएल को जानते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सीआर होगा, ठीक है। ए ए भाई सेकंड बेंच, कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो यार। अभी अब यहां पे आ जाओ, मेनी टू मेनी रिलेशन में क्या होगा, यहाँ के कई सारे स्टूडेंट, यहाँ के दो तीन स्टूडेंट वहां के कई सारे स्टूडेंट को जानते होंगे और वहां के स्टूडेंट यहाँ के कई सारे स्टूडेंट को जानते होंगे, समझ रहे। तो मेनी टू मेनी, यहाँ के स्टूडेंट कई सारे लोगों को जान रहे हैं और यहाँ के भी कई स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट को जान रहे हैं, मेनी टू मेनी रिलेशन। ये बात आपको पिक्चर क्लियर हुई? हाँ, अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग इसके एक्चुअल डेफिनेशन पे, या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेफिनेशन करें, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, मैं ना इसी से